हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो मैंने एक नेकलेस ऑर्डर किया है जो कि मीशो ऐप से ही ऑर्डर किया है। तो इसका जो नेकलेस का कोड है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, क्योंकि मीशो ऐप पर प्रोडक्ट के कोई लिंक नहीं होते, कोड्स होते हैं, तो इसलिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी इसका कोड। तो और जो मीशो ऐप का लिंक है वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो आप वहां से कर सकते हो। तो जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे, हेल्पफुल रहे आपके लिए, तो प्लीज लाइक किए बिना मत जाएगा और अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं इसमें नेकलेस में सबसे पहले आपको कुछ डिफरेंस दिखाना चाहती थी, तो बीच में मैंने ये वीडियो ऐड की है आपके लिए कि साइड में मैं आपको पिक लगा दूंगी इस नेकलेस की, कि मीशो पर किस तरह का नेकलेस दिखाया गया और मुझे रिसीव किस तरह का हुआ है। तो यहां पर रेक्टेंगल शेप में, बड़े वाले शेप में टू स्टोन मिले हुए हैं और यहाँ पर थ्री स्टोन मिले हुए हैं, और ये जो लटकन इन्होंने दी हुई है यहाँ पर भी स्टोन बड़ा वाला दिखाया गया था, जो कि मुझे इस तरह से नहीं मिला है ये नेकलेस। और इयररिंग्स में भी बड़े वाला स्टोन यहाँ पर लटकते हुए दिखाया गया है, तो वो इस तरह का नहीं मिला है मुझे, इस तरह के ही रिसीव हुआ है जिस तरह से ये स्टोन बाकी लगे हुए हैं, तो ये यहाँ पर भी इस तरह से लगाया हुआ है। तो मैं आपको बस यही दिखाना चाहती थी, मुझे ये नेकलेस अच्छा लगा तो फिर मैंने रख लिया था। अगर आप सेम उसी तरह का लेना चाहते हैं, और मुझे तो इस तरह का रिसीव हुआ नहीं है, तो आप मत लीजिएगा, आप देख लेना, अपने आपके ऊपर है कि आपको लेना है या नहीं लेना है। अगर आपको ये वाला नेकलेस पसंद है तो आप उसे ऑर्डर कर सकते हो उस पिक को देखकर, नहीं तो मत करना। अगर आपको सेम उसी तरह का चाहिए तो आप मत करना, ठीक है। तो मैं आपको यही दिखाना चाहती थी, इसीलिए मैंने बीच में ये वीडियो ऐड की है। वैसे नेकलेस में कोई कमी नहीं है, शाइनिंग काफी अच्छी है इसकी, तो ये पहनने के बाद बहुत अच्छा लुक दे रहा था, तो फिर इसलिए मैंने इसे रिटर्न नहीं किया है। तो ये मुझे थोड़ा सा देर में रिसीव हुआ था, इसी वजह से मैंने इसे इसकी सिंगल वीडियो शूट की है, और रिंग मुझे सेम ऐसी ही रिसीव हुई है जैसी उसमें मेंशन थी, और ये थ्री पीस में मुझे सेट रिसीव हुआ है, और बाकी इसमें कोई कमी नहीं है, बाकी अच्छा है। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना, आप ले सकते हो या नहीं ले सकते हो, आपको पसंद आए तो ले लेना, नहीं पसंद आए तो मत लेना, ठीक है। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए, ये मुझे कुछ इस तरह की पैकेजिंग में रिसीव हुआ है, केवल बबल रैप होकर आया था और इस तरह की पॉलिथीन में था। किसी किसी ज्वेलरी की पैकिंग जो है वो बहुत अच्छी आ जाती है और किसी किसी की इस तरह से आती है, तो चलिए कोई बात नहीं, अच्छी कंडीशन में मुझे रिसीव हुआ है तो इसलिए कोई बात नहीं। तो ठीक है, चलिए मैं इसे ओपन करती हूँ। ये मैं सोचे कि थी कि ये टू इन वन में पहना जा सकता है, तो इस वजह से मैंने सोचा चलिए ये मुझे सिंगल रिसीव हुआ था तो मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। तो चलिए, ये मुझे थ्री पीस में रिसीव हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ इसके इयररिंग्स बहुत सुंदर हैं इसके, और काफी बड़े बड़े भी हैं। तो ये देखिए इसके इयररिंग्स, और ये देखिए बहुत सुंदर लग रहे हैं ये, है ना। तो ये गोल्डन फिनिश में है, और ये जो इसके जो ये मोती लगे हुए हैं, तो ये देखिए कुछ क्रीम जैसा कलर होता है ना, उस तरह के में है ये, और ये काफी बड़े बड़े हैं और पहनने के बाद बहुत अच्छा लुक देने वाला है। इसका जो प्राइस है वो मैं साइड में स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी, और इसका जो लुक पहनने के बाद कैसा आने वाला है तो वो भी मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगी साइड में, दोनों तरीके से किस तरीके से पहना जा सकता है इसे। तो ठीक है, ये देखिए, ये इस तरह के आपको इयररिंग्स मिलने वाले हैं। ये देखिए शाइनिंग बहुत अच्छी आ रही है इसमें, फिनिशिंग भी बहुत अच्छी है, पीछे से भी देखिए, पीछे से भी इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी है। ये टांकों के साथ इसमें अटैच किए गए हैं, ठीक है। और सेकंड है जो कि ये रिंग है, ठीक है, एडजस्टेबल आपको रिंग मिल जाती है, रिंग भी काफी बड़ी है। तो ये देखिए बहुत सुंदर रिंग लग रही है, ये काफी बड़ी आपको रिंग मिलने वाली है, एडजस्टेबल है, तो आप इसे एडजस्ट करके पहन सकते हो। और अब मैं आपको दिखा देती हूँ नेकलेस। तो ये देखिए इस तरह का ये नेकलेस है, जो कि बहुत सुंदर लग रहा है ना, बिल्कुल जो ये बीच में आपको ये मिल जाता है, तो ये बिल्कुल रिंग और इयररिंग की तरह ही है, बिल्कुल सेम। तो ये इस तरह से आपको ये मिल जाता है आपको नेकलेस, और पीछे से देखिए, पीछे से ये
इस तरह से है और ये चैन की तरह से है कुछ, और उस पे टांकों के साथ इसे जोड़ा गया है। देखिए आपको दिखाई दे रहे होंगे बीच बीच में टांके लगे हुए, बहुत अच्छे से टांके लगे हुए हैं, छूटेंगे नहीं। तो फिनिशिंग भी पीछे से अच्छी है देखिए, है ना। और ये कुछ चैन की तरह से है तो उस पर आपको ये मिलने वाले हैं, ठीक है, डिजाइन मिलने वाला है। तो देखिए काफी अच्छा लुक आता है इसमें पहनने के बाद। और ये आपको चैन मिल जाती है, डोरी नहीं मिलने वाली आपको, ये चैन मिल जाती है गोल्डन में, ठीक है। तो ये आपको चोकर की तरह से भी आप इसे पहन सकते हो, और ऐसे जैसे आप नेकलेस पहनते हो उस तरीके से भी आप पहन सकते हो। तो आपको ये मैं साइड में दिखा दूंगी कि ये चोकर में किस तरह का लगने वाला है। मुझे ये चोकर में बहुत अच्छा लगा है, चोकर की तरह से अगर मैं इसे पहनती हूँ तो ये मुझे चोकर की तरह से पहनना बहुत अच्छा लग रहा है। तो आपको किस तरीके से अच्छा लग रहा है आप बताइएगा जरूर। ये इस तरीके से भी पहना जा सकता है, चैन आप अपने अकॉर्डिंग इसे लूज या टाइट कर सकते हो। ये इसमें इस तरह से हुक दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो का यहीं पर एंड करती हूँ। तो फिर मैं किसी और अच्छी वीडियो के साथ आपको मिलती हूँ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।